तो देखो भाई, लोग टाटा ब्लैकबर्ड के बारे में एक काफी इम्पोर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आया है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, मैं उनको बताना चाहूँगा, टाटा ब्लैकबर्ड टाटा की अपकमिंग स्वीकार होने वाली है, जो कि इंडियन बजट में लॉन्च होने के बाद कंप्लीट करेगी। हुंडई क्रेटा के साथ किया सेल्टोस के साथ इसका मुकाबला रहेगा। इसके अलावा स्कोडा की और एमजी को ये कार कड़ी टक्कर देने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इस आकार के अंदर आपको नया 1.5 लीटर और वो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। ये पेट्रोल इंजन लगभग 160 bhp की पावर और प्रोड्यूस कर लेगा, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा पावर आउटपुट मिलने वाला है। और समय पेट्रोल इंजन को टाटा कंपनी के अंदर और सफारी के अंदर देने वाली है, क्योंकि आज के डेट में टाटा हैरियर और टाटा सफारी के अंदर सिर्फ एक डीजल इंजन आता है। उन दोनों ही कारों के अंदर से में पेट्रोल इंजन का यूज किया जाएगा। लेकिन टाटा ब्लैकबर्ड के साथ भी टाटा कंपनी से मेन जिन को देने वाली है, और ये कार इन मार्केट में लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली में डिसाइसिव ई कारों को टक्कर देने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टाटा ब्लैकबर्ड को रिसेंटली टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इसके बहुत सारे इमेजेस और वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं, और यहाँ पर आप इसका फ्रंट का और साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पूरा कैमोफ्लॉज नाता इसके एक्सटर्नल में, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें विजिबल नहीं थी, लेकिन अब टाटा ब्लैकबर्ड फाइनली टेस्टिंग फेस में आ चुकी है। अगले 1-2 महीनों के अंदर इसको इंडियन मार्केट में रिवील किया जाएगा, उसके बाद टाटा ब्लैकबर्ड ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। आपको बताना चाहूँगा, इस आकार का कम्प्लीटली नया रहने वाला है, और इस प्रकार के बहुत सारे एडवांस लेवल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इस आकार के अंदर आपको आरे नाम का कार्य करने के लिए टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा। बड़ा सा टीचर सिस्टम कंपनी ऑफर कर सकती है, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, लेदर के सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स आपको टाटा के ब्लैकबर्ड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और रिसेंटली मारुति सुजुकी निगरानी विटारा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, और टोयोटा ने हाई राइडर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। दोनों ही कार है, सेम सेगमेंट की कार है, और दोनों ही कारों का मुकाबला इंडिया में अब वो ब्लैक बेल्ट के साथ होने वाला है। और आज की डेट में इस सेगमेंट में क्रेटा सबसे बिकती है, और आने वाले कुछ महीनों में मारुति सुजुकी की पिटारा क्रेटा को कड़ी टक्कर दे सकती है, क्योंकि उसको काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, और वो अच्छा खासा माइलेज जो दे देती है। जैसे ही टाटा ब्लैकबर्ड इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, ये डेफिनेटली इन कारों को कम्प्लीट कर सकती है। अब ये टोटली डिपेंड करता है टाटा के ऊपर, यानी टाटा इसको कब इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है, इसका लुक कैसा रहेगा, इसका इंटरव्यू कैसा रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से भाई, इसका लुक आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि जिस तरह से हरिहर का लुक है, जिस तरह से टाटा पंच का लुक है, जिन्हें जितनी भी टाटा की बाकी कारों का लुक है, वो डेफिनेटली उन लोगों को पसंद आ चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।